हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बनाने वाले हैं श्री रामचंद्र जी की ड्राइंग, वो भी धनुष तोड़ते हुए। एक उनका बहुत ही अच्छा लुक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चेहरे की आउटलाइन तैयार कर लेते हैं फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम इनका लेफ्ट हैंड बनाएंगे फ्रेंड, जिससे इन्होंने धनुष पकड़ा होगा, और राइट हैंड बनाएंगे फ्रेंड, जिससे वो उनकी धागा पकड़ेंगे, जिससे धनुष में धागे की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, जो प्रत्यंचा बोलते हैं ना, वो बनाएंगे। और इनके साइड में जो ये चुनरी रहती है, वो चुनरी बनाएंगे। और इनके पैर बना लेते हैं। पैर बनाने से पहले धोती का जो सेंटर वाला हिस्सा रहता है वो बना लेते हैं। और उसके बाद इनका राइट पैर बनाएंगे, जो इन्होंने धनुष के ऊपर रखा होगा, और एक लेफ्ट पैर बनाएंगे जो ज़मीन पर रखा होगा फ्रेंड। ये देख सकते हैं, ये धोती में थोड़ा सा डिजाइन बना लिया हमने। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इनका लेफ्ट पैर और राइट पैर दोनों तैयार कर लिया है। अब बनाएंगे फ्रेंड धनुष। ये देख सकते हैं किस तरह से बना रहा हूँ। बहुत इजी होता है फ्रेंड किसी भी चीज़ को बनाना, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। ये देख सकते हैं बहुत ही इजीली। और कभी भी हो फ्रेंड, लाइट हाथों से बनाना चाहिए, कुछ भी बनाओ। डार्क कर दोगे तो फ्रेंड पेपर ख़राब हो जाएगा, और दोबारा तिबारा उस जगह पर बनाने से क्या होता है, पेपर ख़राब हो जाता है और आपको एक वैसा आर्ट बन के तैयार नहीं होगा आप जैसा आप बनाना चाहते हैं। अब फ्रेंड हम इसमें करते हैं कलर शुरू। तो डार्क एरिया के लिए मैं डार्क ब्लू कलर की पेंसिल का यूज़ करूँगा फ्रेंड। जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया रखनी है, वहाँ वहाँ मैं डार्क ब्लू से कलर करूँगा, जैसा आप देख पा रहे हो। हाथों में, चेहरे में और इनके बॉडी पार्ट में, जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया रखनी है फ्रेंड, वहाँ के लिए मैं डार्क ब्लू कलर का यूज़ करूँगा। और जहाँ मुझे लाइट रखना है फ्रेंड, वहाँ के लिए लाइट ब्लू कलर का यूज़ करूँगा, जिसे आप स्काई ब्लू कह सकते हैं। और ये देखिए, फ्रेंड कभी भी कलर करो तो लेयर बाय लेयर करना चाहिए। पहले एक लेयर हल्के हाथों से, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जितने लेयर की आपको ज़रूरत पड़ती हो, जितनी आपको डार्कनेस दिखानी है, जितना आपको लाइट रखना है, उस हिसाब से आप लेयर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने बॉडी पार्ट में भी और शरीर पर, हाथों पर कलर कर लिया इनके डार्क ब्लू और लाइट ब्लू से। और इसी तरह हमने पैरों में भी कलर किया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड। जो ज़्यादा ही डार्क एरिया है उसको हम थोड़ा सा और डार्क प्रेशर देके थोड़ा सा उस चीज़ को और डार्क कर लेंगे, ये देख सकते हैं। अब फ्रेंड जो है, हम इनका आई वगैरह बना के अब इनके हेयर बना लेते हैं, और वो भी ब्लैक कलर से इनके हेयर को बनाएंगे। और हेयर को भी आप इसी मेथड से बनाएं फ्रेंड, पहले एक लेयर लाइट की, फिर उसके बाद उसके ऊपर से डार्क। इससे क्या होगा, आपके गैप नहीं बचेगा। फिर उसके बाद फ्रेंड का जो मुकुट है, उस मुकुट में डार्केस्ट एरिया को दिखाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, और लाइट एरिया को दिखाने के लिए येलो कलर का। और उसी प्रकार से हाथों की ज्वेलरी के रूप में भी वही कलर यूज़ किया है, ऑरेंज और येलो का। और अब फ्रेंड चुनरी है, चुनरी में जहाँ भी डार्केस्ट पार्ट है, वहाँ के लिए भी हम फ्रेंड ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे। और जहाँ फ्रेंड हमें लाइट रखना है, वहाँ सिर्फ येलो का यूज़ करेंगे हम, जैसा आप देख पा रहे हो। उसके बाद येलो के ऊपर से थोड़ा सा हम वाइट कलर से भी कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा लाइट हो जाएगा येलो कलर हमारा। एक लेयर हमने येलो के ऊपर वाइट की भी कर दी थी। अब उसी तरह इनकी धोती जो है फ्रेंड, इसमें भी करेंगे हम डार्क एरिया के लिए ऑरेंज कलर और लाइट एरिया के लिए येलो। और कभी भी बहुत इजीली, बहुत हल्के हाथों से कलर कीजिए फ्रेंड, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ। अब फ्रेंड इनका जो कमरबंद है, ये बनाएंगे हम फ्रेंड ग्रीन कलर से, ये देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ लाइट का डायरेक्ट फोकस पड़ता है, वहाँ पर हम वाइट से कर लेंगे उसके ऊपर से एक लेयर इनके इस कमरबंद में। अब फ्रेंड धनुष में कलर करते हैं। सबसे पहले हम इसके आउटर साइड में रेड कलर से करेंगे, फिर उसके अंदर साइड में हम इसमें ऑरेंज कलर से करेंगे, और फिर एकदम इनर पार्ट के लिए हम येलो कलर का यूज़ करेंगे फ्रेंड। हमने इस धनुष को बनाने के लिए तीन कलरों का यूज़ किया है, ये देख सकते हैं। और जहाँ पकड़ने वाला हिस्सा होता है फ्रेंड, सेंटर वाला, वहाँ पर हम येलो कलर से करेंगे।
और इसके रोप को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब पीछे बनाते हैं फ्रेंड महल, क्योंकि महल के बाहर से ये प्रतियोगिता हो रही थी धनुष तोड़ने वाली। धनुष तोड़ने की नहीं होती थी फ्रेंड, प्रतियोगिता जो थी वो धनुष उठाने की थी, लेकिन रामचंद्र जी जब इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाते हैं तो उस टाइम पर ये धनुष टूट जाता है पुराना होने के कारण। तो फ्रेंड ब्राउन कलर से हम पीछे का महल बना लेंगे जैसा आप देख पा रहे हो, और यहाँ भी हमें उसी मेथड से करेंगे कलर। जहाँ हमें डार्क रखना होगा वहाँ ब्राउन कलर को थोड़ा सा डार्क प्रेशर देके कलर करेंगे, और जहाँ लाइट रखना होगा वहाँ लाइट प्रेशर से हम इसका कलर करेंगे, ब्राउन से ही करेंगे फ्रेंड हम इसको। अब फ्रेंड जो है इसके बाद नंबर आता है नीचे जो है फ्रेंड, जहाँ पर रामचंद्र जी खड़े हैं, जहाँ पर ये प्रतियोगिता हो रही है वहाँ टाइल्स बनाने की, या बोल सकते हैं हम एक तरह से मैच हम वैसे टाइल बनाएंगे फ्रेंड, तो ब्लैक और वाइट कलर के टाइल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं हम कि किस डायरेक्शन में किस लाइन के अंदर हम कौन सा कलर करेंगे करके। तो अब फ्रेंड एक एक डब्बा छोड़ के हमने ब्लैक कलर कर लेना है, बस इसी मेथड से करते रहेंगे फ्रेंड हम एक एक एरिया छोड़ के, और ये हमारा टाइल्स भी कम्प्लीट है। और ऊपर आसमान दिखाने के लिए फ्रेंड हम स्काई ब्लू कलर को हल्के हाथों से कर लेंगे, और फ्रेंड इसी के बीच में बना लेंगे हम बादल। ये देख सकते हैं व्हाइट कलर से बादल बनाएंगे, व्हाइट की डार्केस्ट एरिया दिखाने के लिए हल्का ब्लू कलर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि अलग अलग बादल दिखेंगे कि हाँ ये पहला बादल है दूसरा बादल। सो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।